ये शियाला निवास हमारा ज्वाइन कोता फोटोग्राफर मायान खाना। जी मायान खान, क्या तफसीलात है इस हवाले से? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप कॉल करने का। ये जो वाकया हुआ है लेपर्ड का, तो इसकी अभी तक कोई कंफर्म रिपोर्ट नहीं आई। तो जो बलोचिस्तान फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के कंजर्वेटर हैं नेशनल पार्क के अर्ज मोहम्मद उमरानी साहब, वो बता रहे थे कि ये जो वाकया हुआ है ये डेरा बुकटी तहसील जैनलोटी में ये वाकया हुआ है, और जिन्होंने ये ऑफेंडर्स हैं जिन्होंने ये हंटिंग की है तो वो बता रहे थे वो लोग भी आइडेंटिफाई हो चुके हैं। बहरहाल ये वाकया किस डेट को हुआ है ये अभी तक हम कंफर्म नहीं बता सकते। माया खान, बताइए कि हुकूमत ने इस तरह की पॉलिसीज बनाई है कि इस तरह के नायाब नस्ल के लेपर्ड की हिफाजत के लिए उस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मैडम ऐसा है कि बलोचिस्तान फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का अपना एक एक्ट बना हुआ है 2014 का, उस एक्ट के मुताबिक उसमें हर चीज डिफाइन की गई है कि अगर कोई वाइल्ड लाइफ की वायोलेशन करते हैं उसको क्या सजा मिलनी चाहिए, क्या पेनल्टी मिलनी चाहिए। तो पॉलिसीज तो सारी बनी हुई है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन पे जब हम आते हैं उस पे वी आर लैकिंग बिहाइंड। उसका मतलब ये कि जो मुख्तलिफ हंटिंग के काफी स्टोरीज है बलोचिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज के, ख्वा वो बलोच बेल्ट के हो पश्तून बेल्ट के हो, लोग शिकार करते हैं हंटिंग करते हैं उनको फिर सजा नहीं दी जाती, पेनल्टी नहीं दी जाती, इसलिए ये वाकयात कंटिन्यू होते हैं। मतलब पेपर में सब कुछ मौजूद है लेकिन पेनल्टी ना होने के बराबर है। हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज है ईरान में और इंडिया में, वहाँ पे वाइल्ड लाइफ रूल्स एंड स्ट्रिक्ट रूल्स काफी स्ट्रिक्ट है, वहाँ पे कोई भी इलीगल हंटिंग अगर करता है उसको बहुत ज्यादा टफ टाइम दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे एनिमल राइट की कोई कदर नहीं है। जी इस जो वायरल वीडियो है इसमें उस शख्स की इस शख्स को भी दिखाया गया है जिन्होंने इसको शिकार किया है, क्या इस हवाले से कोई कार्रवाई हुई है? जी जी बिल्कुल, आज सुबह ही मुझे पता चला कि ये जो लोग इस वीडियो में बैठे हुए हैं जिन्होंने ये लेपर्ड हंट किया हुआ है इनके नाम आइडेंटिफाई हो चुके हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इनको आइडेंटिफाई किया हुआ है और इनके खिलाफ जो कानूनी लीगल कार्रवाई है वो इन्होंने शुरू कर ली है, और वो बता रहे थे कि फर्दर जब इन्वेस्टिगेशन होगा तब बाकी मालूमात बाहर आएंगी। तो ये लोग तो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, लेकिन इसके अलावा माजी में भी इस तरह काफी हंटिंग होती रही है और लोगों ने अपने पिक्चर के साथ जो है ना मारखोर की फॉर एग्जांपल तस्वीर लगाई है, लेकिन टिल डेट उनको कोई टफ टाइम या कोई सीरियस पेनल्टी नहीं दी गई, इसीलिए ये वाकयात अभी होते जा रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया।